नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं kaushalmarty.com K7 न्यूज। ओडिशा के राजगांगपुर में क्वारंटाइन सेंटर में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों के द्वारा नाश्ता एवं भोजन निम्न स्तर का परोसा जा रहा है, ऐसा आरोप लगा है। आइए अब हम बात करते हैं राजगांगपुर से मेरे सहयोगी राजेश दाहिमा से। हाँ सर। हाँ राजेश। हाँ सर। राजगांगपुर के क्वारंटाइन सेंटर में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है जी। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों के द्वारा नाश्ता एवं भोजन निम्न स्तर का परोसा जा रहा है, ऐसा आरोप लगा है जी। क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति क्या है और इन तमाम आरोपों की सत्यता क्या है? सत्य जी है कि सर, कल सुबह जो नाश्ता दिया गया डालमा, हाँ उपमा, वो पूरा एकदम पानी वाला था सर। मैं तैर रहा था पानी में, उपमा सूखा रहने चाहिए, वो पूरा तैर रहा था पानी में। और जो दाल दी गई वो तो पानी की दाल, और चावल जो परोसे गए उसमें सर सब साफ सुथरा कीड़ा दिख रहा था। लोग हाथ में उठा उठा कैसे दिखाएं सर, उसके लिए बवाल हुआ। बताइए, खाना निम्न स्तर का क्वालिटी, एकदम घटिया स्तर का। रोटियां तो एकदम सूखी भी, उसका खाने से उनका मन मचलाने लगे, उल्टी जैसे आने लग गया, शिकायत आई से। और दो सेंटर है, अग्रेसन भवन वाले सेंटर वाले लोग जो वहां पर रह रहे हैं, और आपका बीजू पटना कल्याण मंडप के लोग ने विरोध प्रदर्शन किया। वो अलाव लगा बाद में यहाँ से नगर पालिका ईओ गया, वहां उनसे बात किया, लोग माने नहीं, तो लास्ट में वो आश्वासन दिया कि मैं जांच पड़ताल करूंगा। इस बाबत ईओ से जब पूछे सर, तो ईओ नगर पालिका ईओ सुरेंद्र कुमार राउत ने बताया कि राजगांव के सुप्रसिद्ध होटल आनंद स्वीट से ये भोजन सामग्री आता है। सरकार 120 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दे रही है, जिसमें 20-20 रुपया दो समय का नाश्ता का है और 40-40 रुपया खाने का है। उसके बावजूद निम्न स्तर का सामग्री परोसा जा रहा है, लोगों में बहुत आक्रोश है सर। अभी की स्थिति ये है सर। ये दिन दोनों क्वारंटाइन सेंटरों में कितने लोग हो सकते हैं? अभी कितने लोग हैं? लगभग 37 है सर, दोनों में मिलाकर। इनको कितने दिनों से है, अभी उनके स्थिति क्या है वहां के? मतलब भोजन जो उनको दिया जा रहा है जी, जिन होटलों का जिन्होंने ये नाम रखा है, इन होटलों से बन के आने के बाद क्या उन भोजनों का परीक्षण नहीं किया जाता है? वो शिकायत के बाद में वो बोले परीक्षण के लिए, अभी तो खबर हम लोग ये भी मिली है कि इस मामले के लिए जिला स्तर के लोग आ रहे हैं जांच पड़ताल के लिए। अब तो अभी तक पहुंचे नहीं है, पहुंचने के बाद मैं इस बात का खुलासा करूंगा सर। अभी तो अभी पूरा जांच पड़ताल का मामला बना हुआ है सर। अभी वहां की स्थिति क्या है? अभी लोगों में आक्रोश है सर, लोग बौखलाए हुए हैं, एकदम मतलब गुस्से में है, वो जो अंदर में रहे हैं कि खाना का मतलब ये हिसाब है। जी धन्यवाद। सर वर्तमान सुधा हमर जो क्वारंटाइन सेंटर अच्छी केते वर्तमान हमरो 6 गोटी क्वारंटाइन सेंटर हमें रेडी करी रखी छु। वर्तमान हमरो कम्युनिटी हॉल बिजु पटनायक कल्याण मंडप आग्रेसन रे वर्तमान 39 लोक हमरो रही छथि क्वारंटाइन। सर किछ जन के ऑपरेशन भवन हो के हमर बिजु कल्याण मंडप हो से जगह क्वारंटाइन रे जवन रहू छथि त माने अभिजोग कर छथि जे खाद्य रो मानटा बहुत कम रही छ, आ विभिन्न प्रकार फोटो मध्ये फोटो छथि जतरे पोको देखाय छथि, से विषय कोन एक्शन नियै आपण जानिथिबे। राजगांगपुर सबुठ बेस्ट होटेल आनंद स्वीट को सेमती आम क्वारंटाइन मैंने रिटर्न मैंने केमी भले रे आम हस्तांतर करूँ। आपत जानते आडल्ट 120 टाँचा और चाइल्ड 100 टाँचा से ही मध्यम आम गोटे मिल को गोटाए दिन पछा 115 टाँचा हिसाब से आनंद स्वीट को दिखाई जी कि राजगांगपुर सबुठ बेस्ट होटेल। तेणु मुझे जे आमर जो प्रवासी श्रमिक मैंने बाहर राज्य आसने जमी बेस्ट फूड पात सब प्रकार सुविधा पात म्यूनिसिपालिटी से अनुसार सजग अच्छी और तरह इच्छा शक्ति अच्छी। किंतु किसी स्तर में देखा जे आम खाइबारे निया पानी अभाव कि स्वाद कमी जापे से आज सका गोटे आसाला खबर तत्णत आम जी नहीं होटेल मालिक तत्ण इनस्ट्रक्शन देते परवर्त मुहूर्त विदिन 15-10 मिनिट्स भितर से जाक अल्टरनेट चाहा बिस्कुट दिखाई ताकू इनस्ट्रक्शन दिखाई जमी मानते भल मान देते। थैंक्स फॉर वाचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।